प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई के खिलाफ बयान जारी करने वाले बरेलवी मौलाना एवं ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी को हत्या की धमकी मिली है। गुरुवार दोपहर को फोन पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। मौलाना रिजवी ने मीडिया को बताया कि फोन पर धमकाने वाले ने अपना नाम अब्दुल समद और पता शाहीन बाग दिल्ली बताया है। उन्हें धमकाया गया है कि अगर पीएफआई के खिलाफ बोलना बंद नहीं किया तो तुम्हारा वजूद मिटा दिया जाएगा। धमकी मिलने से परेशान मौलाना शहाबुद्दीन ने मामले की शिकायत डीएम बरेली से की है और उनसे सुरक्षा मांगी है। यहां बता दें कि कुछ माह पहले मौलाना शहाबुद्दीन ने उदयपुर में हुई घटना के खिलाफ भी फतवा जारी किया था। उस वक्त भी उनको धमकी भरे फोन आए थे। रहमान रहीम, मैं मुसलसल पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई के खिलाफ बोल रहा हूँ और उसकी कट्टरपंथी विचारधारा के खिलाफ मैंने आवाज बुलंद की है। आज मुझे दोपहर में धमकियां मिली और ये कहा गया कि तुम अपनी जुबान को बंद कर लो वरना तुम्हारा अंजाम बुरा होगा। तो मैं ऐसे लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मैं हमेशा हक और इंसाफ की आवाज बुलंद करता रहा हूँ और हमारे बुजुर्गों ने भी और सूफिया इकराम ने भी हक और इंसाफ की आवाज बुलंद की है और मैं आवाज बुलंद करता रहूंगा। मैं खामोश बैठने वाला नहीं हूँ और मैं इन गीदड़ भभकियों से डरने वाला नहीं हूँ। मैंने SSP बरेली और जिला अधिकारी बरेली को इस संबंध में अवगत करा दिया है और उनसे सुरक्षा की मांग की है।